सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे स्टूडियो में। और इस स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो रील्स का आप जो है यूज़ करते ही होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको रील्स का आइकन शो नहीं होता, ऑप्शन शो नहीं होता, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको रील्स की जगह पर प्लस का आइकन शो होता है। तो गाइस इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप इस ऑप्शन को कैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ला सकते हैं। तो इसे लाने के लिए सिंपली आपको बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद जो है आपको एक बार अपनी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करके देख लेना होगा। रिस्टार्ट करने के बाद आपको देख लेना होगा कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई है कि नहीं। अगर नहीं होती आपको अपने इंस्टाग्राम में आना होगा। इंस्टाग्राम में आ जाने के बाद आप सिंपली अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप कीजिए और यहाँ से आप राइट में 3 लाइन पर आ जाइएगा। 3 लाइन पे आने के बाद आप सेटिंग पे आ जाइए। यहाँ से आप आ जाइए एक बार अकाउंट में। अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने मिल रहा होगा, आप इस पर टैप कीजिए। यहाँ से ब्राउजिंग सेटिंग पे आपको आ जाना होगा। अब यहाँ पर आपको ब्राउजिंग डाटा आपको देखने मिल रहा होगा। इसके आगे आपको क्लियर का ऑप्शन देखने मिल रहा है, आप सिंपली इस पर टैप कीजिए और यहाँ से क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे एक बार कर दीजिए। इससे जो है बहुत से लोगों की प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। और हाँ गाइज, मुझे जो है कुछ ही दिन पहले प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो मैंने सॉल्यूशन आजमा कर ये अपनी प्रॉब्लम फिक्स की, वही मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो अब आपको बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद जो है बहुत से लोगों की प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो आपको देखने मिल जाएगा शेयरिंग टू अनदर एप्स, यहाँ पर आपको टैप करना होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सिंपली अपनी फेसबुक या ट्विटर से आपको अपनी एप्लीकेशन को एक बार कनेक्ट करके देख लेना होगा, तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ से फिक्स हो जाएगी। बहुत से लोगों की यहाँ से प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है, लेकिन अगर आपकी नहीं हो रही आप सिंपली बैक आइएगा। यहाँ पर आपको सेटिंग में ही आना होगा और यहाँ से आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको लॉग आउट देखने मिल रहा है, आप सिंपली इस पर टैप कीजिए और यहाँ से एक बार लॉग आउट हो जाइए। यहाँ पर देखिए लॉग आउट हो रहा है, तो हम इसे होने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप एक बार दोबारा से लॉग इन हो जाइए। लॉग इन होने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर आपको रील्स का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। रील्स का अगर आपको ऑप्शन देखने नहीं मिलता तो आप सिंपली इंस्टाग्राम पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा। यहाँ से आप एक बार ऐप इन्फो पे आ जाइएगा और यहाँ से अगर आपको रील्स का ऑप्शन नहीं मिलता तो आप सिंपली फोरस्टो आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पर ओके पे टैप कर दीजिए फोरस्टो पे। अब उसके बाद यहाँ से एक बार इसका क्लियर ओल्ड डाटा कर दीजिएगा। क्लियर ओल्ड डाटा करने के बाद आपको देख लेना होगा कि आपका रील्स का ऑप्शन मिला है कि नहीं। अगर आपका रील्स का ऑप्शन अपने अकाउंट में देखने को नहीं मिलता तो आपको प्ले स्टोर में आइए और यहाँ से एक बार जो है अपने इंस्टाग्राम को सर्च कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हम कर लेते हैं इंस्टा। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन शो होता है तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपका इंस्टाग्राम का बहुत पुराना वर्जन है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको अपने इंस्टाग्राम में देखने को नहीं मिलेंगे। ये काम आपको करना होगा, उसके बाद जो है आपको देख लेना होगा कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई है कि नहीं। बहुत से मोस्टली लोगों की यहाँ से प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है, लेकिन अगर आपके नहीं हो रही तो आपको एंड में जो है इसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। रिपोर्ट करने के लिए आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे आइएगा और 3 लाइन पर टैप कर दीजिएगा। 3 लाइन पर टैप करने के बाद सेटिंग्स में आ जाइए, हेल्प में आ जाइए और रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे एक बार टैप कीजिए और यहाँ पर अगेन रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे आप टैप कर दीजिए। तो गाइज अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, आपको गैलरी पे टैप कर देना होगा। यहाँ से आपको वो स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं वो स्क्रीनशॉट एक बार ले लेता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखिए ये हमारा स्क्रीनशॉट है। अब आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिख देना होगा, हेलो इंस्टाग्राम टीम, इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट रील ऑप्शन नॉट शोइंग, सो प्लीज़ गिव मी दिस ऑप्शन एज सून एज पॉसिबल। आपको सिंपली यहाँ पर डॉट कॉमा आपको डाल देना होगा। यहाँ पर देखिए हम डाल देते हैं। ये करने के बाद आप सिंपली सबमिट पर टैप कर दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट इंस्टाग्राम वाले के पास चली जाएगी और इस 24 hours से लेकर 74 hours तक आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी नहीं होती तो आपको थोड़ा और टाइम वेट कर लेना होगा। और हाँ गाइज, मैं आपको जरूरी बात बता देता हूँ, अगर आपके पास 2 अकाउंट है या फिर आपने नया नया अकाउंट ओपन किया है तो आपको कुछ टाइम बाद आपको जो है अपने आप ही रील्स का ऑप्शन देखने मिल सकता है। यहाँ पर देखिए आपको सिंपली यहाँ पर प्लस का आइकन शो होता होगा, तो कुछ ही टाइम बाद जो है आप एक बार अपनी एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर रील्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे जो है आप अपनी रील्स का आइकन जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ला सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे को आपको इतना ही बताना था। तो होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।